हेलो दोस्तों, मैं कलीम एक बार फिर से क्लास 11th की फिजिक्स को लेके आया हूँ। हमने गति के नियम पढ़ा, गति के नियम में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, जैसे हमने जड़त्व के बारे में पढ़ा, बल क्या होता है पढ़ा, गति के तीनों नियमों के बारे में पढ़ा, आवेग पढ़ा, संवेग पढ़ा, और इसके अलावा द्वितीय नियम से तृतीय नियम की व्युत्पत्ति भी किया, और छोटे छोटे बहुत सारी बातों को, और घर्षण के बारे में जाना कि घर्षण होता क्या है, कैसे संपर्क तलों के मध्य जब एक दूसरे का जो विरोधाभास वाला जो बल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना, और आज हम चलेंगे अगले टॉपिक, घर्षण का इस्तेमाल करते हुए कुछ व्यंजक, जिसे हम पहला टॉपिक दे रहे हैं घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण कोण के बारे में हम बात करेंगे कि घर्षण कोण होता क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा को बताने से पहले आपको मैं ये बात तो बता ही दूं कि कभी भी वस्तु की गतिशीलता के विरुद्ध या किसी भी गतिशील वस्तु के विरुद्ध ही क्या लगता है, घर्षण बल कार्य करता है। इस चीज को याद रखना बेटा, अगर मैं चल पा रहा हूं, मैं चल ले रहा हूँ, तो मैं मेरे विपरीत दिशा में, लेकिन उसका दिशा क्या होगा, मेरी गति के विपरीत दिशा में होगा। हाँ, लेकिन मैं नहीं चल पा रहा हूँ, मैं मान लिया जाए लद्दी में अर्थात कीचड़ में मैं धंस गया हूँ, ठीक है, और मैं नहीं चल पा रहा हूँ, अर्थात कहीं ना कहीं वहाँ पर घर्षण, एक उदाहरण ले रहे हैं, तो मैं नहीं चल पा रहा हूँ, इसलिए क्या होगा, मैं स्थैतिक हो गया हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा मेरे अंदर, विरामावस्था में रहूँगा, क्योंकि मेरे कारण मैं क्या हो रहा हूँ, विरामावस्था में ही हूँ। किंतु अगर मैं चल ले रहा हूँ और चल पा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, हम चल पा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेरे अंदर गति घर्षण है। लेकिन हर कंडीशन में, हर स्थिति में क्या होता है, हमारे गति की दिशा के विपरीत ही घर्षण बल कार्य करता है, इसको याद रखिएगा। तो चलो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं घर्षण कोण की तरफ। इस घर्षण कोण का छोटा सा चित्र देख रहे हो, छोटू सा फोटो को देखते हैं और बताते हैं, ये एक तल है, ये एक तल दिखाई पड़ रहा है आपको, इस तल पर कोई एक गुटका रखा हुआ है। गुटका का मतलब खाने वाला नहीं भैया, गुटके का मतलब खाने वाला नहीं, रखने वाला, लकड़ी का गुटका है, ठीक है। इस लकड़ी का जो गुटका है, इस लकड़ी के गुटके का वेट जो दिख रहा है, कभी भी याद रखना, वस्तु का भार कभी भी ऊर्ध्वाधर कहाँ लगता है, नीचे की ओर। गति का तृतीय नियम मैं भी थोड़ा सा जोड़ देता हूँ, ठीक है, शायद कभी कई सौ साल बाद जब हो जाए तो मेरा भी नियम कुछ आ जाए, इसलिए मैं एक नया नियम दे रहा हूँ, आप भी देख लीजिए कैसा नियम। जैसे गति के तीसरे नियम में कहा कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो मेरा मानना है यदि बेंच टूट रहा है तो आपका क्रिया बल ज़्यादा हो जा रहा है, अपेक्षाकृत किसके, प्रतिक्रिया बल की। ये प्रतिक्रिया बल क्या करता है, प्रतिक्रिया बल बैलेंस करता है। आप तशरीफ रख रहे हैं तो तशरीफ रखे हैं तो जितना क्रिया बल, आपका जो नेट जो वेट है वो जितना नीचे की ओर लग रहा है, उतना ही प्रतिक्रिया कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। लेकिन क्रिया से ज़्यादा प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया से ज़्यादा क्रिया का मान अधिक हो जाता है, तो हमको भी इसको भौतिकी घटना समझ लेना चाहिए कि भैया भौतिकी के घटना के अंतर्गत क्रिया बल का मान अधिक हुआ और भसरंग से हम गिर गए, मतलब जोर से गिर गए नीचे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, वैसे ही कभी भी वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा, गति का तीसरा नियम यही बात बताया था, और जो भी तल रहेगा, वस्तु जिस कंडीशन में रहेगी, उस वस्तु के कंडीशन के लंबवत, उसके तल के लंबवत वह प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा। अगर वस्तु ऐसी है तो प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर ऐसा कार्य करेगा बेटा, अगर ऐसी है तो वस्तु ऐसा काम करेगा, यदि वस्तु ऐसी है तो ऐसा, जो इस
पोजीशन में वस्तु रहेगी, उस वस्तु का जो पोजीशन रहेगा हर उस पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका प्रतिक्रिया बल भी उस तल के लंबवत होगा। इसको आप याद रखेंगे। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, घर्षण कोण। तो मैं एक बार छोटा सा फोटो अपने लिए बनाता हूँ। जब कोई वस्तु रखी हुई है, देखेंगे हैं, मैं परिभाषा को क्या कर रहा हूँ, एराइज कर रहा हूँ। देखिए ये बाह्य बल है जिसको हम खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं और इसका विरोध कर रहा है ये कौन सा बल, ये घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये देख, सीमांत घर्षण भी कहते हैं हिंदी में, सीमांत या स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ये खींच रहा है, विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, लेकिन ये बल दाईं ओर लग रहा है, वो बाईं ओर लग रहा है। गति की दिशा को मैंने भी बता दिया। अब क्या किया, अब कहा, अब परिभाषा उत्पन्न कर रहा हूं, देखो चित्र से, कि कहा मैंने अभिलंब प्रतिक्रिया और क्या, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया दोनों का परिणामी, अर्थात ये जो विकर्णकार रेखा दिख रही है ना, जो एंगुलर बना रही है, ढाल रूपी जो रेखा कह रही है, उसे क्या कह रहे हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया आर और स्थैतिक घर्षण एफ एस का परिणामी। और क्या, और मतलब कोण कैसे बनता है, कोण की क्या परिभाषा होती है, आप तो मैथ पढ़ते हैं, कोण की परिभाषा होती है जब दो रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती है। क्या कहा, जब दो रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती है तो उसे ही हम कोण कहते हैं। तो देखो बेटा, तो अभी मैंने जो इतना बड़ा जो प्रपंच किया, इतना सारा बात किया, वो इस डार्क लाइन को मैंने डेफिनेट किया है ना, इसको परिभाषित किया। तो क्या कहा, फिर से मैं बोल रहा हूं, इस डार्क लाइन की परिभाषा, कि जब एक अभिलंब प्रतिक्रिया और स्थैतिक या सीमांत घर्षण का परिणामी, अर्थात ये और अभिलंब प्रतिक्रिया के मध्य बने कोण को ही घर्षण कोण कहते हैं, इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था आपका घर्षण कोण। अब देखिए, अब हमने क्या किया, यहां से इसको इस तरीके से लंब डाला और इसको इस तरीके से लंब डाल दिया और इस प्रकार से डायग्राम क्रिएट हो गया, जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है। अब ये जो मैं रफली डायग्राम बनाया था, इसको मैं क्या करता हूं, मिटाता हूं। ठीक, अब हम चलेंगे इसके व्यंजक की तरफ। तो मान लेंगे कि माना कि, पूरा डिटेल में देखते हैं, माना कि m द्रव्यमान का कोई गुटका है, वस्तु भी है ये बोल सकते हैं, जिस पर निम्नलिखित कार्य करते हैं। पहला क्या बता रहे हैं, वस्तु का भार, गुटके का भार, गुटके का भार W ऊर्ध्वाधर किसके ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम देख रहे हैं। दूसरा मैंने कहा क्या, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R वस्तु के लंबवत ऊपर की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया आर कहां, तल के लंबवत ऊपर की ओर। फिर कहा, ये देखो मैंने बताया था, ये एक्सटर्नल फोर्स है, बाह्य बल है बेटा, इस गुटके को हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो खींच रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा कहेंगे बाह्य बल F दाईं ओर, किधर, दाईं ओर। और चौथा स्थैतिक घर्षण बल क्या, बाईं ओर लग रही है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। मैंने अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ा है जी, जो डायग्राम दिखा हमने वो किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां से ओ, इसके मध्य बिंदु को ओ तो माना, हमने क्या किया, एक जो परिणामी रेखा थी ना उसको
नीचे लंब डाला किस पर, ये जो दिखाई पड़ रहा है ना आपको, इस सीमांत घर्षण बल, उसकी भुजा पर, और दूसरी अभिलंब प्रतिक्रिया पर। तो भैया सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज बनाई बन रहा है, और जब बन रहा है तो हम क्या करेंगे, आमने सामने की भुजा उनके बराबर होते समान, ये भी बराबर होगा। जो एफ एस अगर इसका मान है तो इसका भी मान एफ एस होगा, अगर इसका मान क्या है आर है तो इसका मान भी क्या होगा आर होगा। तो मैं एक छोटा सा फोटो निकाल देता हूँ व्यंजक के लिए, व्यंजक की तरफ चला, व्यंजक की तरफ मैं जब चलूं, और व्यंजक क्या कह रहा है कि कोण, कोण कौन सा कोण बन रहा है उसको देख लो, ये कोण बन रहा है BOC, तो कोण BOC बराबर क्या होता है लैम्डा हो रहा है। अब इस लैम्डा के अंतर्गत हम क्या बात करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारा चित्र है किस तरीके से बन रहा है। ये देखिए चित्र बी सी ओ और यहाँ पर क्या है लैम्डा, तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है बेटा लंब, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण, जो बचा वो शेष आधार। अब हम जानेंगे बी सी किसके समांतर था, एफ एस के समांतर था, तो लंब हो जाएगा एफ एस। फिर बताया आधार, आधार अभिलंब प्रतिक्रिया को दर्शा रहा है, तो हो गया आर। चूंकि मैं यहाँ पर टेन लूंगा तो आपके मन में आना चाहिए सर आप टेन क्यों ले रहे हैं, तो पता चलना चाहिए ढाल को बता रहे हैं, ढाल जहाँ पर ढाल दिखता है वहाँ पर प्रवणता बताता है, उसे ही हम टेन थीटा भी कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज क्या, समकोण त्रिभुज बी ओ सी में, ठीक है यहाँ पर हम समकोण मान सकते हैं, ओ बी सी भी कह सकते हैं चलेगा। तो टेन लैम्डा इज इक्वल टू लंब बटे आधार अर्थात बी सी बटे बी ओ, तो टेन लैम्डा इज इक्वल टू बी सी का मान था एफ एस अकॉर्डिंग टू डायग्राम और इसका मान आर। फिर हमने क्या बताया था, स्थैतिक घर्षण के नियम के अनुसार चूंकि हम जानते हैं म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन क्या होता है आर, तो इस पूरे के बदले में मैं क्या रख दूंगा, म्यू एस रखूंगा, इसलिए टेन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस, यही होता है आपका विराम कोण का व्यंजक, जिसकी हम क्या बता सकते हैं, इसका निष्कर्ष बताऊं, इसका निष्कर्ष सुन ले भैया, इसका निष्कर्ष होता है कि किसी विराम कोण की सॉरी घर्षण कोण की स्पर्श्या का मान उसके स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है, क्योंकि म्यू एस को क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है इसे कहते हैं। और टेन को कहते हैं हिंदी में स्पर्श्या, और लैम्डा को क्या कहा घर्षण कोण, तो बताया कि घर्षण कोण की स्पर्श्या उसके स्थैतिक या सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होती है। तो ये था आपका क्या घर्षण कोण। तो घर्षण कोण क्या था, एक बार फिर से परिभाषा देता हूं, क्या बताया कि अभिलंब प्रतिक्रिया और सीमांत घर्षण बल दोनों का क्या परिणामी, या क्षैतिज का परिणामी भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं के परिणामी तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के मध्य बने कोण को हम क्या कहते हैं घर्षण कोण कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फिर मैंने बताया भाई ये डब्लू गुटका जिसका द्रव्यमान एम है, जिस पर निम्नलिखित बल कार्य करते हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं ये भी मैंने आपको बताया, और कार्य करने के बाद ये व्यंजक क्योंकि ढाल बता रहा है इसलिए डायरेक्ट टेन लेंगे, रटेंगे तो भूलेंगे, रट्टू तोता नहीं बनना है, हमको बढ़िया से समझना है, पूरा फिजिक्स होता है डायग्राम पर बेस्ड होता है, ठीक है। मैं तो यही कहता हूँ भैया बार बार, अगर आप घर बनवाने जाते हैं, जब आप घर बनवाने जाते हैं तो किसके पास जाते हैं, सबसे पहले इंजीनियर के पास जाते हैं, तो इंजीनियर क्या देता है आपको,
नक्शा बना के देता है, ठीक है। तब फिर इंजीनियर क्या करेगा, आपके ज़मीन का लेआउट देखेगा और वहाँ वहाँ पर क्या करेगा, मार्किंग लगाएगा और बोलेगा भैया यहाँ पर कॉलम के लिए गड्ढा खोद। तो एक मेजरमेंट होता है, वो इंजीनियर कब बताया या ठेकेदार कब बताया, कॉन्ट्रैक्टर कब बताया, वो नक्शा देख कर बताया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स में भी डायग्राम इज़ द मस्ट, बहुत जरूरी। कई बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार देते हैं, व्यंजक लिख देते हैं और क्या करते हैं, चित्र नहीं बनाते हैं। तो भैया जब तक नक्शा नहीं रहेगा तो घर कैसे बनेगा, इसलिए आपको चित्र रूपी नक्शा पर विशेष ध्यान देना है। देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम चलेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्या, हमारा जो अगला टॉपिक है विराम कोण। सबसे पहले विराम कोण जानने से पहले हम क्या करें, नत समतल क्या होता है जाने, नत समतल क्या होता है। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, मतलब अभी भी बड़े नहीं हुए हैं आप लोग भी, छोटे छोटे थे तो क्या है, घिसल पट्टी सुने हैं, सुने हैं कि नहीं। तो उसमें क्या करते थे हम, कभी कभी गांव में देखना इसका अभाव होता था तो गाड़ी चढ़ाने वाला भी बनाते थे ना, उसमें हम लोग अपना पेंट फाड़ा करते थे जब छोटे थे तो, ठीक है। तो वो अभाव था, लेकिन अभी तो निगम या पालिका क्या कर रहा है, आपके घरों में ला के आपके मोहल्ले पड़ोस में गार्डनिंग कर करके क्या कर रहा है, ला रहा है, चलो भाई खेलो और पेंट कम फाड़ो। लेकिन ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के लिए है। तो बेटा हम क्या करते हैं, वो ऐसा जो पोजीशन होता है ना, जो स्लोप पोजीशन होता है, उस स्लोप पोजीशन को क्या कहते हैं हम, नत समतल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वह क्या कहलाता है हमारा, नत समतल। कुछ मैं एग्जाम्पल दूंगा, देखिए नत समतल का बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा कि देखिए ये जो वस्तु है, देखिए ये स्लोप दिखाई पड़ रहा है, यही नत समतल है। और जब कोई वस्तु है, जब किसी नत समतल में कोई वस्तु सीमांत संतुल, देखो अगर एकदम कर दूंगा तो ये स्लिप मार जाएगी, लेकिन नत समतल में कोई वस्तु क्या होती है, सीमांत संतुलन की स्थिति में। अब ये सीमांत संतुलन फिर से कहाँ से आ गया भैया, सीमांत संतुलन का मतलब होता है वस्तु किसी स्लोप में चलने के लिए तैयार हो जाती है किंतु गतिशील नहीं रहती है। याद रखिएगा बेटा, क्या कहा, वस्तु चलने के लिए तैयार तो हो जाती है लेकिन चलती नहीं है। अर्थात ये देखिए, जब कोई वस्तु किसी नत समतल में क्या होती है, सीमांत संतुलन की अवस्था में, अर्थात चलने के लिए तैयार है लेकिन चल नहीं रही है। जब कोई वस्तु नत समतल में सीमांत संतुलन की अवस्था में होती है तो इस नत समतल का जो क्षैतिज के साथ झुकाव होता है, अर्थात मेरा हाथ क्षैतिज है और ये कॉपी नत समतल है, दोनों के बीच का जो झुकाव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उनके मध्य बने कोण को ही हम विराम कोण कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देख सकते हैं चित्र को, आप चित्र देखेंगे तो दिखाई पड़ रहा है, यह ढाल दिखाई पड़ रही है, इस ढाल में क्या हो रहा है, कोई वस्तु है और वह वस्तु क्या कर रही है, सीमांत संतुलन की स्थिति में है। अर्थात वो वस्तु क्या नहीं हो रही है, चल नहीं रही है, और वो चल नहीं रही है अर्थात स्थित अवस्था में है, अर्थात वो चलने के लिए तैयार है, इसलिए उसको सीमांत कह रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो ढाल का जो आगे की ओर लगने वाला बल और वहाँ पर विपरीत दिशा में जो लग रहा घर्षण बल है, वो दोनों क्या है, परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत है। किंतु अभी यदि बाह्य बल थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो आगे सरक जाएगी, इसलिए अभी दोनों के परिमाण, बल रूपी परिमाण समान है, इसलिए वह सीमांत में है। देखो मैं सीमांत इसलिए कहता हूँ ना, स्थैतिक नहीं कह रहा हूँ। स्थैतिक में अगर बल नहीं लगाओ, सिर्फ घर्षण लगा रहा है और आप लगा रहे हो थोड़ा सा, तो भी वही मतलब है। लेकिन यहाँ पर दोनों के परिमाण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा इसका परिभाषा, जब कोई वस्तु
सीमानत समतल में जब कोई वस्तु सीमांत संतुलन में होती है तो उसका जो क्षैतिज के साथ जो झुकाव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विराम कोण कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चले हम, अब इसकी परिभाषा तो हो गई, फिर वैसी बात करेंगे कि वर्णन के अंतर्गत कि बताया भाई जब एम द्रव्यमान का वस्तु, ठीक है, जिस पर दो निम्नलिखित निम्न बल कार्य करते हैं, ठीक है, निम्न बल कार्य करते हैं जिसके अंतर्गत, निम्न बल कार्य करते हैं इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, पहला वस्तु का भार mg अर्थात w भी कहते हैं, w कह सकते हैं, w को mg कहते हैं, वेट भार को mg से रिप्रेजेंट, कभी भार और द्रव्यमान में अंतर बताऊंगा आपको, याद रखिएगा, भार mg ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये देखो कैसो भी कंडीशन में रहे वस्तु, इधर रहे उधर रहे किधर भी रहे, वस्तु का भार हमेशा ऐसा भी रहेगा तो ऐसा, ऐसा भी रहेगा तो वस्तु का भार हमेशा ऊर्ध्वाधर डाउन पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में, सीधा डाउन नीचे तरफ, डाउन टू अर्थ रहेगा, इस चीज को आप याद रखिए। दूसरा मैंने कहा अभिलंब प्रतिक्रिया आर, अभिलंब प्रतिक्रिया आर, ठीक, अभिलंब प्रतिक्रिया आर तल के अभिलंबवत, ठीक है, तल के अभिलंबवत, ठीक है, फिर तीसरा, तीसरा हम चलेंगे कि भाई बताएंगे कि घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल एफ एस, ठीक है, तल की, कौन से, नत समतल के, समतल के ऊपर की ओर, दिख रहा है चित्र आपको कि ये जो दिख रहा है आपको एफ एस, ये किधर लग रहा है, नत समतल के ऊपर की ओर लग रहा है। फिर आ जाते हैं हम, इतने पॉइंट्स पर पूरी बात हो गई, अब हम इसके व्यंजक की तरफ चलेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा आपको घटक के बारे में क्या करना है, बात करना है। दो घटक होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है जिसको दिमाग में आप बसा लीजिए साइन थीटा, और एक घटक होता है कॉस थीटा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक या लंब घटक साइन थीटा। फिर कहते हैं क्या, दूसरा क्या कहा मैंने, क्षैतिज घटक या आधार, क्षैतिज या आधार घटक कॉस थीटा, इसके बारे में देखो निकालते कैसे, चुटकी में आपको सिखाएंगे हम। तो हमने कहा कि mg दो समकोणिक घटकों में वियोजित, वियोजित होता है, कैसे होता है देखें, कैसे होता है देखो, कैसे होता है देखो, अब यहां पर चित्र देखा, कोण के सामने की भुजा बेटा लंब, जब भी मैं जिसके बारे में बोलूं, mg बोलूं, r बोलूं या f बोलूं, जिसके बारे में भी बोलूं, वो दिमाग में घुसा लेना कि वो कर्ण ही होगा, हमेशा कर्ण। तो मैंने कोण के सामने की भुजा लंब कह दिया तो ये तो हो गया कर्ण और ये हो गया आधार, देखो बेसिक बता रहा हूं। तो साइन थीटा बराबर आप जानते हो लंब बटे कर्ण,
ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब तो लंब रहेगा, कर्ण क्या है एम जी है, तो हो जाएगा एम जी, तो बताया एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू लंब, तो लंब क्या हो जाएगा पहला बताऊंगा एम जी साइन थीटा, किसके दिशा के अनुदिश चल रहा है, इसके दिशा के दिशा में बता रहा है, इसके समांतर चल रहा है, इसलिए भाई साहब हमने क्या दर्शा दिया यहाँ पर एम जी साइन थीटा इसके दिशा के इसी दिशा में ढाल की ओर, न समतल के ढाल की ओर, क्योंकि ये जो भुजाएं बनाया है ना मैंने उस भुजा के समांतर दिशा में मैंने उसको प्रदर्शित कर दिया। फिर मैं गया कि मैंने कहा आधार घटक, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो कर्ण तो मेरा एम जी है, तो एम जी है तो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार, मैंने तिर्यक गुना कर दिया। जब तिर्यक गुना किया तो आपने देखा आधार, तो ये आधार की दिशा तो इस तरफ है, तो हमारे मान को यहाँ पर प्रदर्शित किया है एम जी कॉस थीटा। तो मैंने कैसे कैसे किसको प्रदर्शित करना है वो बता दिया, और कैसे निकालते हैं ये भी बताया आपको, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। ये ना बेटा, अगर कई लोग नहीं समझते तो इसको रटते हैं, या कई लोग इसको बताना भी उचित नहीं समझते हैं और उसको रटा देते हैं, देखो भाई ये दो घटक ऐसे हैं, तो मैंने आपको पूरा प्रयास किया है, पूरा कोशिश किया है कि ये निकलते कैसे घटक, इसलिए बार बार कह रहा हूँ फिजिक्स में कोई भी चीज़ें रटने वाली नहीं है, जो रट्टू सब्जेक्ट है वो थियोरटिकल सब्जेक्ट होते हैं, खासकर बायो होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, उसके कुछ पार्ट्स वो रटने वाले होते हैं जिसके, लेकिन भौतिकी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम पूरा डायग्राम बेस्ड कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना उसको, हाँ, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री उसको भी आप नहीं कर सकते, वो फिजिकल जुड़ा, फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, एंट्रोपी एंथैल्पी जो भी पढ़ते हैं आप लोग, तो वो रटने वाली चीज़ें नहीं है बेटा। हाँ, और ऑर्गेनिक तो सबसे मस्त, ऑर्गेनिक को आप और अच्छे से समझते हैं। तो बहरहाल हम फिजिक्स में फिर से आ जाते हैं, तो ये किस दिशा में है, इस दिशा में है, दूसरा क्या बता एम जी कॉस थीटा, अब किस दिशा में है, अगर आप कहोगे तो तल के ऊर्ध्वाधर एम जी कॉस थीटा, तो आप इसको ऊर्ध्वाधर लिख सकते हो, अगर ये क्षैतिज बता रहा है तल के अनुदिश है तो इसको क्षैतिज घटक कह सकते हो, इस प्रकार से हो गया। अब देखो संतुलन, इन द बैलेंसिंग कंडीशन, संतुलन अवस्था में मैं बताता हूँ आपको, संतुलन अवस्था में देखें, संतुलन अवस्था में हम देखें क्या पहला आप देखेंगे गति का तीसरा नियम याद रख ले में तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो पता क्या बोलता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, तो आप देखेंगे एफ एस और ये एम जी एक दूसरे के विपरीत है, तो इसलिए एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। फिर हमने कहा आर, देखो आर और एम जी कॉस दोनों परस्पर क्या है, विपरीत संतुलन में, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, समीकरण नंबर दो। तो मैंने क्या कहा, समीकरण एक भागित समीकरण नंबर दो कह दिया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हम भाग देंगे तो हो गया एफ एस अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा, तो एम जी से एम जी कैंसिल हुआ, और साइन अपॉन कॉस कक्षा दसवीं का सूत्र है जो याद होना चाहिए आपको, एफ एस अपॉन क्या होता है आर होता है इज इक्वल टू टेन थीटा, चूंकि फिर से हमने देखा था क्या, चूंकि म्यू है सीमांत घर्षण या स्थैतिक घर्षण गुणांक बराबर एफ एस अपॉन आर, तो एफ एस अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये आपका होता है विराम कोण के बारे में व्यंजक, तो विराम कोण का निष्कर्ष क्या निकलता है थोड़ा सा देख लें,
निष्कर्ष यह निकलता है कि कहता है कि विराम कोण की स्पर्श ज्या उसके स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है। तो फिर से चलेंगे, विराम कोण, विराम कोण की क्या परिभाषा थी? जब कोई नत समतल में, क्या क्या बताया, नत समतल में जब कोई वस्तु, यहां पर देखेंगे, नत समतल पर जब कोई वस्तु सीमान संतुलन की अवस्था में है तो उसका क्षैतिज से झुकाव को ही हम क्या कहेंगे, विराम कोण कहते हैं। तो ये था आपका विराम कोण की परिभाषा। फिर बताया, वस्तु जो सीमान संतुलन की अवस्था में है और जिस पर एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिस पर निम्नलिखित बल कार्य कर रहे हैं, निम्नलिखित कार्य कर रहे हैं ना, निम्न, ये इन तीन पॉइंट पर बात करेंगे। और यहाँ पर देखा, फिर हमने बताया कि भाई ये कैसे समकोणिक घटकों में वियोजित होता है। वियोजित होने के बाद यहाँ हमने देखा, व्यंजक निकाला, आसान किया, संतुलन अवस्था में न्यूटन के गति के तृतीय नियम के बारे में बता दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने बात किया और व्यंजक निकाला। फिर हमने अंत में निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष, कि विराम कोण की स्पर्श्या उसके स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है। ठीक है, अब कभी कभी आपको ना पूछ लेता है भाई कि ये विराम कोण और घर्षण कोण में थोड़ा संबंध तो बतला दो, तो हम भी बतला देते हैं। तो चलते हैं, विराम कोण और घर्षण कोण में संबंध, विराम कोण एवं घर्षण कोण संबंध, विराम कोण एवं घर्षण कोण में क्या होता है, संबंध हम निकालने जा रहे हैं। जब हमने संबंध निकाला तो देखा आपने क्या, विराम कोण घर्षण कोण के बारे में जान लें, घर्षण कोण का जो व्यंजक रहता है वो क्या था, tan lambda is equal to mu s, इक्वेशन नंबर वन। फिर हमने कहा विराम कोण tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, इक्वेशन नंबर टू। समीकरण नंबर एक व दो से हम देखेंगे क्या दोनों के RHS बराबर दिखाई पड़ रहे हैं, और जब बराबर दिखा तो tan lambda is equal to tan theta, तो tan से tan comparison से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, lambda is equal to theta। तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि घर्षण कोण का मान किसके, विराम कोण के मान के बराबर होता है। कभी कभी आपको बड़े अंक के लिए पूछ देता है, घर्षण कोण और विराम कोण में संबंध स्थापित कीजिए। जब बड़े अंक का आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, घर्षण और विराम कोण का इंडिविजुअल पहले व्यंजक निकालना पड़ेगा आपको, है ना, न्यूमेरिकल डेरिवेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तब इनके मध्य में आपको संबंध निकालना पड़ेगा। तो ये था विराम कोण और घर्षण कोण में संबंध, जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे कौन सा, सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिसलना, सर्पी घर्षण क्या होता है, सर्पी घर्षण जब कोई एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का कार्य करता है, तो इनके संपर्क तलों के मध्य जो घर्षण बल कार्य करता है, जब कोई एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का कार्य करता है, तो इनके संपर्क तलों के मध्य क्या होता है, जो बल कार्य करता है इस
या जो घर्षण बल कार्य करता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण। अर्थात इसमें तल नहीं, चाहे हाँ सांप रेंग रहा हो या कोई भी कीड़ा अगर रेंगता है तो वह इसी प्रकार का घर्षण। या हम डेस्क पे क्या कर रहे हैं, पुस्तक को सरका रहे हैं। जब पुस्तक को सरका रहे हैं ना तो वो भी उसका भी सतह कॉमन है और वो आगे की ओर बढ़ रहा है, उसकी सतह नहीं बदल रही है। इसलिए सर्पी घर्षण में स्लाइडिंग में याद रखिएगा, इसकी जो सतह होती है वह कभी नहीं बदलती है। फिर आ जाते हैं बेलन, बेलन घर्षण, या इसे ही हम क्या कहते हैं, बेलन घर्षण को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अर्थात क्या किया जाता है, जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है, ये कहा था किसने, ये भाई साहब ने कहा था। फिर इसको क्या कहते हैं, जैसे कभी कभी देखना सिलेंडर आप उठा नहीं पाते हैं या कोई बेलनाकार ड्रम है उसको लात मार मार के क्या करते हैं, आप आगे की ओर बढ़ाते हैं ना, तो वह क्या होता है, घुमाया जाता है। जब कोई एक पिंड को दूसरे पिंड पर घुमाया जाता है, जब एक पिंड को दूसरे पिंड पर घुमाया जाता है तो इनके मध्य कार्य करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। देखो इनके डिफरेंस बिटवीन रोलिंग एंड क्या पूछता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन पूछता है, बेलन घर्षण और सर्पी घर्षण के मध्य में आप इसका अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों अंतर स्पष्ट जो करते हैं ना, तो पहले इसका परिभाषा दे दिए, फिर मैंने इसका बताया था कि भाई इसकी सतह एक ही रहती है और सिलेंडर या बेलनिक जो होता है इसके सतह क्या होते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। और जब हम सिलेंडर को ढकेल ढकेल के पैर से मारते हैं लात और वो क्या होता है, रोल होते रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, बल अधिक बल कार्य नहीं करता है, कम बल लगता है, और स्लाइडिंग में अर्थात सर्पी घर्षण में बल अधिक काम करता है। इस प्रकार से आप इसके अंतर को बता सकते हैं। अब हम चलेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक है घर्षण से क्या क्या लाभ है, घर्षण के लाभ। घर्षण के क्या क्या लाभ आपको दिखाई पड़ते हैं, तो घर्षण का जो लाभ है, इसकी सहायता से हम चल पाते हैं, इसकी सहायता से हम भोजन चबा पाते हैं, और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, माचिस की तीली को जला सकते हैं, और बहुत सारे अगर आप रब कर रहे हैं, स्क्रब कर रहे हैं, ये भी तो घर्षण ही है। अर्थात घर्षण के बिना हमारा जीवन असंभव है, ये कह सकते हैं, क्योंकि हर चीज में घर्षण है, प्रत्येक वस्तु में घर्षण, और घर्षण नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने घर्षण के कुछ लाभ बताया, अब हम घर्षण के हानि के बारे में बात करेंगे। घर्षण से क्या क्या हानि होती है, तो घर्षण से हानि होती है, घर्षण से कलपुर्जे घिस जाते हैं, इसमें कलपुर्जे का घिस जाना। फिर और बता सकते हैं, बड़े बड़ी मशीनों में घर्षण के कारण क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, उसके कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। अर्थात यहाँ पर भी एक बात बता सकते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण ही हो रहा है, लेकिन ये भी इसके किसके अंतर्गत आते हैं, हानि के अंतर्गत, डिसएडवांटेज के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, और भी बता सकते हैं कि घर्षण से मशीनों की दक्षता क्या होती है, कम हो जाती है, उसके जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, कम होती है, किसके कारण, घर्षण के। तो ये थे घर्षण के लाभ और हानि। अब घर्षण को बढ़ाने के भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे आप देख सकते हैं घर्षण को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जूते के जो तल्ले रहते हैं, जो हमारे सोल रहते हैं ना, उसमें ग्रिप बहुत बड़े अच्छे होने चाहिए। फिर हम बता सकते हैं वाहनों में टायर होते हैं, टायर को क्या करते हैं, टायर के जो भी ग्रिप होने चाहिए बहुत अच्छे होने चाहिए। और बता सकते हैं वहाँ पर लेप लगाया जाता है स्नेहक के रूप में, बहुत सारा ऑयलिंग का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम घर्षण के मान को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हानि से हम बच सकें। तो प्यारे बच्चों आज जो हमने पढ़ा
उसके बारे में मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इन बेसिक चीज़ों को मैंने बताया, अभी बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ और एक एक बातों को और हर टॉपिक को इसी तरीके से मैं एकदम डिस्क्राइब करके पढ़ाऊँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप मेरे साथ लगे रहिए, एक एक चीज़ को आप अपने कॉपी में नोट करिए। निश्चित ही क्या होगा, आपका ज़बरदस्त नोट बनेगा और वह ज़बरदस्त नोट्स आपको ज़बरदस्त नंबर बताएगा। और आप इस चैनल को और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और मेरे साथ पूरा पूरा जुड़े रहिए। तो मैं आपका होस्ट और दोस्त कलीम आज यहीं पर आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।